रोटी कपड़ा या मकान किसी भी इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज और इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे रोजगार की जरूरत पड़ती है। रोजगार की तलाश में तो कई लोग घर शहर यहाँ तक कि कई लोग तो देश छोड़कर भी चले जाते हैं और कुछ लोग देश में रहकर ही कड़ी धूप में काम करते रहते हैं और वहीं कुछ लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और कंपनियों में काम करके अपनी जीविका चलाते हैं। रोजगार के माध्यम से इंसान केवल धन ही नहीं कमाता बल्कि वो खुद को भी विकसित करता रहता है। इंसान अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार को चुनता है और हर इंसान अपना अच्छा भविष्य बनाने के लिए कहीं ना कहीं काम करके या नौकरी करके अच्छा पैसा कमाता है। लेकिन आज हम आपको ऐसी नौकरियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर और देखकर आप ये जरूर बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो आइए जानते हैं इन अजीबोगरीब नौकरियों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी जानकारी आगे भी मिलती रहे। तो चलिए एक छोटे से इंट्रो से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर एक, ट्रेन में धक्का लगाने की नौकरी। जापान में एक जॉब ऐसी भी है जिसमें स्टाफ को ट्रेन में धक्का लगाना होता है। दरअसल यहाँ की ट्रेनों में लोगों की खचाखच भीड़ होती है और जिस कारण कई बार ट्रेनों के दरवाजे बंद नहीं हो पाते। इस जॉब में नियुक्त किए गए लोग भीड़ से बाहर को धक्का देकर ट्रेन के दरवाजे बंद कराने में मदद करते। नंबर दो, सांपों का जहर निकालने की नौकरी। सांपों के जहर को निकलवाना और उसे इकट्ठा करना कोई मामूली काम नहीं है, लेकिन इसके लिए लोगों को जॉब मिलती है। इस जॉब को करने वाले लोगों को सांपों के जहर को निकाल कर एक जार में इकट्ठा करना होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस जहर का इस्तेमाल कई तरह की दवाइयां बनाने में किया जाता है। नंबर तीन, डॉग फूड टेस्टर। आपको इस जॉब के बारे में जानकर थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये सच है। कुत्ते के लिए खाने की चीजें बनाने वाली कंपनियां अपने प्रोडक्ट को कुत्तों को टेस्ट कराने के लिए कई तरह के लोगों को नियुक्त करती है। डॉग फूड टेस्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को बनाए जाने वाले प्रोडक्ट को टेस्ट कर बताना होता है कि इसका स्वाद कैसा है। नंबर चार, सोने की नौकरी। आपको इस नौकरी के बारे में जानकर आश्चर्य जरूर होगा कि कोई सोने के पैसे कैसे दे सकता है। लेकिन कई देशों में सिर्फ सोने के लिए लोगों को नौकरी दी जाती है। इन लोगों को सिर्फ सोना होता है और उसके बदले उन्हें अच्छा पैसा मिलता है। कई बार रिसर्च करने वाले लोग भी ऐसे लोगों को हायर करते हैं। और आपको बता दें कि एक बार फिनलैंड के एक होटल ने रूम और बेड के कंफर्ट के बारे में पता लगाने के लिए प्रोफेशनल लोगों को नौकरी पर रखा था। नंबर पाँच, रोने की नौकरी। क्यों लगाना झटका? जी हाँ, ये नौकरी विदेशों में ही नहीं बल्कि भारत में भी कई जगहों पर होती है। इस नौकरी में ऐसी महिलाओं को काम पर रखा जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ रोने का काम करती हैं। जी हाँ, सिर्फ रोने का। और आपको बता दें कि इन लोगों को किसी के घर पर मातम हो जाने पर बुलाया जाता है और ये रोती हैं और लोग इन्हें पैसा देते हैं। क्यों, क्या हुआ, चौंक गए? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आप भी इनमें से कोई सा काम करते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसी वीडियो आगे भी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।